उसको शॉक्स पसंद नहीं इसलिए ऐसा कर रहा है। और हाँ फ्रेंड्स एक और चीज देखो, मैंने अपने लिए स्लीपर मंगवाया, बताना कैसा लगा मैम। तो ये बताना, ये मेरा सॉक्स है जो मम्मी पहन रही थी, देख लीजिए तुम्हें कार बना है, बड़े के सॉक्स है कार नहीं बनता। जेरी एप्पल खाओ, एप्पल एप्पल फाइनली जेरी एप्पल खाने लगा। कैसे हैं आप सब, अच्छे होंगे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स एक्चुअली एक तो ठंड का मौसम बस इंटर करने वाला है, या बोलो तो कुछ कर भी चुका है। तो मेरा तो रेगुलर जो रूटीन है, मैं स्कूल गई थी, स्कूल से आने के बाद मैंने शॉवर लिया एंड अभी मैं बस जस्ट नहा कर बैठी हूँ, तो सोचा आप लोग से थोड़ी बातें कर लूँ। मैंने अपने चैनल पे इतना मेहनत किया बट क्या बोलूँ कि वैसा कुछ सक्सेस मिल नहीं रहा है। तो अब मैंने अपना माइंड थोड़ा सेट कर लिया है कि कुछ होने वाला इस चैनल पे है नहीं, लेकिन एक के इंटरेस्ट एंड एक आदत सी हो गई है आप लोगों के सामने ब्लॉग को डालने की, तो वो तो मैं करती रहूँगी। अब उसमें सक्सेस हूँ नहीं हूँ आई डोंट केयर, मतलब उससे मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक होता है मेहनत करना एंड एक होता है लक एंड एक होता है डिमोटिवेट होता। तो मैंने लक को भी आजमाया एंड मेहनत में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, तब भी जब मैं वहीं पर हूँ तो मुझे, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी किस्मत है जिसमें मुझे आगे बढ़ना है नहीं, तो बस एक शौक और जज्बा जो है वो बना रहेगा और इंशाल्लाह मैं ब्लॉग इस पर डालती रहूँगी। एंड ये भी कहती रहूँगी कि अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बट फिर सबकी मर्जी एंड अल्लाह की मर्जी, खैर जो भी हो। तो मैंने सोचा आप लोग के सामने ये थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। और मैंने जो एक न्यू चैनल बनाया है मैं उस पर वर्क जल्द ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब टाइम मुझे नहीं मिलता है, टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, जब मेरा स्कूल होता है एंड इंसान हूँ कभी तबीयत ख़राब, उधर तो 4-5 मंथ से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही, सब कुछ आप लोग के सामने, फिर भी मैं मेहनत करती रहती हूँ। तो दो चैनल को साथ लेकर चलना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड एक और बात जो शेयर करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह से मेरा अभी कश्मीर का प्लान बना है टूर का 5 दिसंबर से, अल्लाह की मर्जी हुई इंशाल्लाह तो ज़रूर जाऊँगी एंड फिर मेरा और अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा कश्मीर का। तो मैंने सोचा है उस टाइम से मैं अपने न्यू चैनल को स्टार्ट करूँ, या फिर पहले भी करूँ लेकिन तभी कुछ अच्छे कंटेंट के साथ स्टार्ट करूँ, तो करूँगी इंशाल्लाह। तो जैसे इस चैनल को आप लोग प्यार करते हो उस चैनल को भी करना, सपोर्ट करना एंड लाइक शेयर ज़रूर करना। तो इस न्यू चैनल भी जल्दी ही मैं स्टार्ट करने वाली, मैंने चैनल ऑलरेडी कंप्लीट बना लिया है बट उस पर बस वीडियो अपलोड करना बाकी है, तो उस पर बस मैं लॉन्ग वीडियो ही ज़्यादा फोकस करूँगी डालने की एंड हर चीज़ें अपने लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि मेरा फैमिली ब्लॉग ही है, घर का ब्लॉग, डेली रूटीन ब्लॉग, ये सारे ब्लॉग मैं डालती हूँ, ट्रैवल भी डालती हूँ, जहाँ जाती हूँ वो डालती हूँ, रेस्टोरेंट डालती हूँ, तो इसी तरह से वो चैनल भी मेरा रहेगा एंड इस पर भी डालती रहूँगी। इस पर हाँ डेली बेसिस पर तो नहीं आता है, आएगा 3-4 डेज पर एक बार या 5 डेज पर, और उस पर मैं 1 by 1 डे अल्टरनेट डे डालती रहूँगी, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही कहना था आप लोगों से। और हाँ एक और बात कि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था, आप लोग सोचोगे तो मेरे साथ एक नया चीज़ होता है, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो मैं ज़्यादा हेल्दी मोटी हो जाती हूँ एंड ऐसे ठीक है, तो फिर से मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अभी मैंने वेट पर भी थोड़ा कंसंट्रेट किया है अपना वेट लूज़ करने के लिए। तो अभी जो मैं हूँ
कुछ कम हुई हूँ, फिर भी हूँ, तो मैं इसको भी कम करने की कोशिश करूँगी। और जब मैं अपने 10 kg माइनस में आ जाऊँगी तो मैं अपना डाइट प्लान और सारी एक्टिविटी आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगी। तो फिलहाल तो मैं फ्रेश होकर आ गई, आप लोग भी अपने बारे में बताओ। और ये है मेरा फेवरेट हिमालया का मॉइस्चराइजर क्रीम, तो ये मैं नहाने के बाद ऑलवेज लगाती हूँ। तो फिलहाल मैं ये भी लगाते लगाते आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि इंसान जो है अगर मैं मेहनत नहीं करती तो मुझे भी एक अफसोस होता कि मैंने मेहनत नहीं किया है, बट मैंने वाकई बहुत मेहनत किया है अपने चैनल के साथ और अभी तक कर रही हूँ। इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी जब मैं बिल्कुल भी उस लायक नहीं रहती कि अब बस हो गया, तभी मैं ब्लॉग नहीं लाती या वीडियो नहीं डालती, वरना एट एनी कॉस्ट जब भी हल्का मैं लगता है कि मैं डाल पाऊँगी तो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो आपसे बातें करते करते मैंने क्रीम भी लगा लिया एंड थोड़ा लेग पे भी लगा लूं, एंड लेग पर लगाने के बाद मैं सॉक्स भी डाल लूंगी, उससे थोड़ा मेरा स्मूथ हो जाएगा स्किन। तो बस यही सब काम चल रहा है अभी। एंड देखो ये अरुष का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये पढ़ाई में लगा, इसके लिए भी दुआ करना आप लोग। मेरा बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, इसके लिए भी दुआ करना, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, अच्छा इंसान बने। अभी तो मम्मी पापा का बहुत बात सुनता है, कहना मानता है, बड़े होकर भी ऐसा करे और पढ़ाई पे भी ध्यान दे। फिलहाल तो वो देता है। एंड ये रहा मेरा सॉक्स, तो सॉक्स तो ऑलरेडी मेरा इस कपड़े से मिल गया है, तो मैं ये भी पहन लेती हूँ अभी, स्मूथ होने के लिए ये पहनना होता है। अरे मम्मी, नहीं, नहीं, नहीं। तो इसको शॉक पसंद नहीं, इसलिए ऐसा कर रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज देखो, मैंने अपने लिए स्लीपर मंगवाया, बताना कैसा लगा ना। तो ये मेरा सॉक्स है जो मम्मी पहन रही थी, देख लीजिए इसमें कार बना है, बड़े के शौक से कार नहीं बनता। तो ये फ्रेंड्स देखो, ये है मेरा स्लीपर जो मैंने अभी मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग बताना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है एंड इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 600 समथिंग है। अगर आपको ये चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, जब आप लोग बोलोगे तब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिलहाल ये न्यू है, अभी मैं इसको निकालूंगी यूज़ करने के लिए। एंड ये देखो, यहाँ देखो, ये फ्रेंड देखो इसको, कुछ ज़्यादा टाइट नहीं हो गया? देखो फ्रेंड ये क्या कर रहा है, मुझे पहनना था और इसने पहन लिया, देखो। अरे क्योंकि ये मेरा ही सॉक्स है। देखो छोड़ो। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं आप लोगों से कुछ देर के बाद मिलती हूँ, तब के लिए मेरे ब्लॉग पे बने रहो। तो ये फ्रेंड्स देखो, ये मेरा प्यारा सा जी, लेकिन बहुत बदमाश है ये, इसके लिए मैं एप्पल लेकर आई हूँ, अभी देती हूँ, अभी देखना है कितना बदमाशी करेगा। देखो आराम से, देखो ये क्या किया। अरे मम्मी उतरा वजन नहीं झेल पाएगा। अरे बाप,
जेरी एप्पल खाओ एप्पल एप्पल खाओ एप्पल खाओ जेरी। फाइनली जेरी एप्पल खाने लगा। खाओ जेरी एप्पल। अरे खाओ जेरी एप्पल खा लो। एप्पल खा रहे हो जेरी? एप्पल खा रहे हो? ओ लो 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 बोल रहा होगा मिट्टू। जेरी मिट्टू। जेरी बहुत छोटा था, एक साल में इतना बड़ा हो गया। मिट्टू गंदा बहुत करता है, लेकिन ये गंदा बच्चा गंदा बच्चा गंदा बच्चा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मटन फ्रोजन था तो उसको पानी में डाला है अभी मैंने। तो यहाँ पर मैंने मटन में सारा मसाला पानी सब मिक्स कर दिया। अब इसको मैं प्रेशर कुक कर देती हूँ एंड फिर देखती हूँ रेडी होने के बाद। मैं काम में लगी है मॉर्निंग से, सब सामान वगैरह। क्या कर रही हो नीला? इधर का सामान इधर, इधर का इधर का, उधर उधर का इधर। बैठना नहीं चाहिए आदमी को, हर काम इधर से इधर। कुछ नहीं, कुछ नहीं मिले तो इधर का उधर, उधर का इधर कर लेना है ना। तो बोलते चलिएगा। हाँ तो नीलम पहुंच जाएगी कांटेक्ट नंबर लेकर के। तो ये नीलम अभी सुबह सुबह साफ सफाई में लगी है एंड मेरा यहाँ पर मटन कुक हो रहा है। फिर मिलते हैं कुछ देर में। तो ये मेरा मटन बन के रेडी हो गया है। ये फ्रेंड्स देखिए कलर भी बहुत प्यारा है। ये रेडी हो चुका है, अब टेस्ट करके बताएंगे कैसा लगा। चिकन हो गया।